नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ते की हाल चाल। वेलकम गाइज, आई एम गुंजन अरोरा एंड आई हेल्प ट्रेडर्स टू इम्प्रूव देयर ट्रेडिंग स्किल्स बाय टीचिंग देम दोज प्रूवन स्ट्रेटजीज एंड माइंडसेट ऑफ बिग प्लेयर्स और ऑपरेटर्स हु एक्चुअली कंट्रोल द मार्केट। दोस्तों, मार्केट बड़े प्लेयर्स का गेम है, मैं हर बार यही बात करता हूँ, और आप भी अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ये चीज़ का एक्सपीरियंस कई बार करते होंगे कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं, आपने कोई भी चीज़ बाय करी तो आपके बाय करने के जस्ट थोड़ी देर बाद वो नीचे चली जाती है, आपने कोई चीज़ सेल करी और उसके थोड़ी देर बाद वो ऊपर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है गाइज? दिस इज अ बिग प्लेयर्स गेम और उनका माइंडसेट का गेम है। अगर हमने उनकी स्ट्रेटजीज और उनका माइंडसेट सीख लिया तो हम ट्रेडिंग में अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में अर्निंग करना आसान नहीं है, कोई ये मनी मेकिंग मशीन नहीं है जैसा कि आपको लोग बहुत से वादे करते होंगे या बहुत सी आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी भी, हम आपको ट्रेडिंग के अंदर 100% स्ट्रेटजीज देंगे, 100% कॉल देंगे, टिप्स देंगे। सब फालतू की बातें हैं, सब किसी काम की बात नहीं है। आपको कोई टिप और कोई कॉल्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। ट्रेडिंग अगर आपने सीख ली तो फिर किसी की नीड ही नहीं पड़ेगी ना आपको। आपको अगर समझ में आ गया कि ऑपरेटर या बिग प्लेयर या FII इंस्टीट्यूट्स, बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं, वो बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं दोस्तों? बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो पैसा इन्वेस्ट करके, इन्फ्यूज करके मार्केट में पोजीशन बना लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर मैंने पोजीशन बनाई सेल की, ठीक है, और बड़े प्लेयर्स ने भी बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके इस जगह पर सेल की पोजीशन बना दी इस जगह पर, तो क्या होगा? मार्केट नीचे आ जाएगी। सिंपल सा एक नियम है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कोई नई फैंसी इंडिकेटर्स या कोई बहुत सारी चीजें लगा करके सीखनी पड़ेगी। बस ये सीखना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टर या बड़े जितने प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑपरेटर जिनको बोलते हैं हम एक नॉर्मल ट्रेडिंग की भाषा में, वो कब यहां पर सेलिंग करते हैं या कब इस जगह पर बाइंग करते हैं। दोस्तों, ये चीज सीखने के लिए दो चीजें चाहिए हमें। एक चाहिए हमें कुछ अच्छी स्ट्रेटजी जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ऐसे स्ट्रेटजीज तो आप यूट्यूब पे सर्च करो ना, आपको भरमार स्ट्रेटजीज की मिल जाएगी। दुनिया जहान की स्ट्रेटजीज पड़ी हैं और आप सीख लो, सीखते रहो, चेंज करते रहो, सीखते रहो, चेंज करते रहो। रिजल्ट किसका है, हमें मेन फोकस उस पर करना है। आपको कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए जो काम करती हों, और सबसे ज्यादा जो नीड है वो है माइंडसेट। माइंडसेट की सबसे ज्यादा नीड है, हमें स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, और हमें उनका माइंडसेट, ऑपरेटर्स या इंस्टीट्यूट्स का माइंडसेट रीड करना आना चाहिए, ताकि हम आपस में इन दोनों चीजों को मिला करके इस स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकें। सिंपल गाइज, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये बोला है, मेरे मेंटर कहा करते हैं KISSS, इसको फॉलो करो, KISSS। ये वो वाली किस नहीं गाइज, ये है कीप इट सुपर सिंपल। हमने अगर कीप इट सुपर सिंपल रखा ना, कोई बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स या स्ट्रेटजीज यूज नहीं करी ना, तो आप ये समझ के चलें कि दुनिया की कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट्स हो, इंडिया की स्टॉक मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, कॉमोडिटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये अभी मैंने आपको फॉरेक्स का दिखाया। आज अगर आपको, आप में से कुछ लोग मेरे जो व्हाट्सएप का नो कॉस्ट ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने ये चार्ट यहाँ पर भिजवाया था आपको, और मैंने ये लिख के भेजा था कि ये स्ट्रेटजी मैं इसके अंदर ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, और आपके सामने है। अभी मैंने ये ट्रेड प्लेस किया हुआ है और इसके अंदर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल, मैंने कहाँ कोई इंडिकेटर लगाया, आपको दिख रहा है कोई इंडिकेटर? इसके अंदर कोई इंडिकेटर की नीड नहीं है, किसी चीज की नीड नहीं है आपको। सिंपल स्ट्रेटजीज और सिंपल माइंडसेट, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमें करके और ट्रेडिंग करनी है। सो गाइज, आज के कंटेंट की तरफ बढ़ने से पहले
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ वैल्यू दिखती हो और आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज है गाइस, ट्रेडिंग को ना हॉबी ना समझते हुए अपनी इस हॉबी को बिजनेस ट्रीट करेंगे ना जब हम, तो हम ट्रेडिंग के अंदर 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसके अंदर ना हमें अपने जब आप बचपन में फोकस करेंगे ना, जब हम अपने बचपन में अपने आप को देखेंगे तो हमें ना हर चीज के अंदर परफेक्ट होना और सही होना सिखाया जाता है। बट ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है, आप 100% सही नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी आपको अगर बोलता है ना कि आप 100% सही हैं, तो आप उसकी बात पे ट्रस्ट मत करिएगा, फंसिएगा मत। 100% सही होना ट्रेडिंग में इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, कोई नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग के अंदर 100% सही। अगर आपको हमारे चैनल के अंदर कुछ वैल्यूज मिलती हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को आप अच्छा समझ रहे हो, अच्छी वैल्यू आप देख पा रहे हो, तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें बहुत से लोगों के साथ, ताकि सब लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग को समझ पाएं जो मैं सिखाता हूं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, वो पैसा कमाएं, लूज ना करें। ज्यादातर हम लोग लूज करते हैं पैसा, आप देखते हैं गाइस, हमें लूज नहीं करना है गाइस पैसा, हमें सीखनी है वो स्ट्रेटजी और वो माइंडसेट। कोई फैंसी इंडिकेटर MACD या बॉलिंगर बैंड्स, यस इन सब की अपनी अहमियत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कुछ काम नहीं करते, बट दीज आर डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, ये प्राइस के डेरिवेटिव हैं, ये प्राइस नहीं है। प्राइस की चाल समझ ली हमने अगर, तो सब कुछ समझ लिया ना। चलिए गाइज, आज के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो कंटेंट है गाइज, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। हम किस तरह से ये पहचान सकते हैं, हम किस तरह से ये समझ सकते हैं कि प्राइस किस जगह पे नीचे आएगा या किस जगह से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। गाइज, फिबोनाची, लियोनार्डो फिबोनाची एक इटली के मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ना नंबर्स और मैथ, यानी नंबर्स को नेचर के नियमों के साथ जोड़कर, नेचर के कुछ रूल्स के साथ जोड़कर अपनी स्ट्रेटजीज, अपने इन्होंने सीरीज बनाई थी, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं उसको, तो फिबोनाची सीरीज बनाई थी। आप गूगल करेंगे ना उसके बारे में, आपको मिल जाएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हम जो ट्रेडिंग में फिबोनाची का यूज होता है ना, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है हमारे को, यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर या फिब रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल दिखता है, मैं आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा अभी एक मिनट के अंदर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं, अजम्पशन हमारे को इस चीज की हो सकती है कि ये प्राइस यहां से जो मूव करके नीचे आया, ठीक है, तो ये कहां तक ऊपर जाएगा, पहला पॉइंट, या ये कहां तक नीचे आएगा, दूसरा पॉइंट, किस जगह तक ऊपर जा सकता है, किस जगह से नीचे से ऊपर उठ सकता है, ये दोनों लेवल्स की अजम्पशन हम कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की हेल्प से। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, यहां से अगर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में अगर आप हैं, तो यहां से ये फिब रिट्रेसमेंट टूल आपको दिखेगा। आप अगर जीरोधा का चार्ट यूज करते हैं, तो उसमें भी आप फिब रिट्रेसमेंट टूल चेक कर लीजिएगा, उसमें भी यही सिस्टम होता है। आपको स्विंग लो और स्विंग हाई, ये देखिएगा, इस स्विंग हाई है ये, और ये स्विंग लो है, ठीक है। प्राइस जब भी एक मूवमेंट करता है नीचे की तरफ, तो उसको ऊपर की तरफ मूव करना ही है। कभी भी प्राइस एक तरफा ऐसे डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता, करता ही गया, ऐसा नहीं है। प्राइस को मूवमेंट करने के बाद इस तरह ही मूव करेगा, ये नीचे आया देन ऊपर गया, अगर फिर इसको नीचे जाना है ना, तो यहां आने के बाद ये लो काटेगा, ये जो प्रीवियस लो है ये काटेगा, देन थोड़ा नीचे जाएगा, देन थोड़ा ऊपर आएगा, देन थोड़ा नीचे जाएगा, फिर लो काटेगा, फिर ऊपर आएगा। यही एक तरीका है प्राइस की मूवमेंट्स का। इनको पहचानने के लिए हम फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, उसे हम इस तरह से यूज करते हैं गाइस, स्विंग हाई और स्विंग लो पर उसे हम प्लॉट करते हैं। जैसे मैंने यहां पे स्विंग हाई से लेके और स्विंग लो तक अगर प्लॉट किया ये टूल, तो आप देखेंगे गाइस, मैंने कोई इसमें जादू मंत्र नहीं किया, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी लेवल्स निकालने की।
ये इंस्टेंट लेवल निकालने की स्ट्रेटेजी है आप जो देख पा रहे हैं। इसमें ना फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स के अंदर तीन लेवल्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं गाइस। एक लेवल होता है 61.8, एक होता है 50% और एक होता है 38.2। ये आपको ना मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीज समझाने की कोशिश की है। इसे जितना सिंपली समझेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको अगर बहुत ज्यादा उलझा दूंगा किसी पॉइंट के अंदर तो कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ मेरे को बहुत नॉलेज है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप उसको यूज कर पाए। मैं आपको ज्यादा इसके अंदर लेवल्स ऐसे होते हैं, ये इसकी सीरीज है, मैं कोई आपको वो चीजें नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल यूज कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। ये तीन नंबर्स हैं जिनकी मेन इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग लाइन के अंदर। बाकी बहुत सारे नंबर्स ऊपर भी दिख रहे हैं, नीचे भी दिख रहे हैं, उनकी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमें ये तीन नंबर्स को फोकस करना है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे इस हाई से लेके इस लो तक, तो ये बताएगा कि इन तीन नंबर्स 61, 50 और 38.2 के आसपास जब कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो वो बियरिश पैटर्न से वापस प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ये तो हो गया रिट्रेस करने का लेवल। आप देखेंगे 61.8 एग्जैक्टली, मैंने कुछ यहां पे जादू मंत्र नहीं किया, आप खुद बैक टेस्टिंग करिएगा। मैंने सिंपल प्राइस की स्विंग हाई से स्विंग लो को मैच किया, अपने आप यहां पे लेवल पे मैच हुआ वो चीज। गाइज प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ये चीज यूज होती है, सबसे ज्यादा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालने के लिए। अब ये तो मैंने निकाले लेवल कि नीचे आ रहा था तो ऊपर कहां तक जाएगा। इसको एक तरीके से और भी यूज कर सकते हैं, वो क्या है, हम इसको नीचे से ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगाया कि प्राइस कहां से वापस ऊपर मूव करेगा। हमने ये लेवल कौन सा निकाला कि ये कहां तक ऊपर गया, ठीक है। अब जब हमने देखा कि यहां तक नीचे आ गया, हमारा टारगेट पूरा हो गया, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का भी बहुत सारा सिस्टम है, मेरी प्रीवियस वीडियोस आप और देखते हैं अगर तो आपको समझ में आ रही होगी, और आप इसके आगे की वीडियोस भी देखते रहिएगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। देखिए आप गाइस, यहां से मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई, अगली जो ये एक स्विंग लो था, हाई था ये स्विंग लो, देन एक हाई और बन गया यहां पर, तो मैंने इसको ऐसे प्लॉट किया। तो आप यहां देखेंगे ये कौन सा लेवल है, 50% के रिट्रेसमेंट लेवल से, यहां देखें ये 50% का लेवल, 50% के रिट्रेसमेंट लेवल से वापस प्राइस ऊपर मूव करना स्टार्ट कर रहा है। वेरी सिंपल, मैंने इसमें कोई ज्यादा कोई फैंसी इंडिकेटर्स आपके सामने लगाए नहीं है, कुछ नहीं किया है, लेवल्स निकालने का ये सिंपल तरीका है। तीनों लेवल्स पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है या बियरिश पैटर्न बनता है, हम इसको ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। वेरी सिंपल स्ट्रेटजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालने की। आगे के वीडियोज में हम इसे ट्रेड कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे, आप जुड़े रहें गाइज हमारे साथ। ये आपको मैंने आज फिबोनाची लेवल्स रिट्रेसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताया, यूज कैसे करना है वो बताया, फर्दर हम इसे ट्रेड कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की सबसे सिंपलेस्ट वीडियो जो मैंने भी आज तक बनाई है, मेरे कोर्स के अंदर भी मैंने इसके अंदर और डिटेल में चीजें बताई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको हर वो चीज समझ में आ जानी चाहिए जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में काम की है। बहुत सारी और इसके अंदर सीरीज क्या होती है या मैं आपको वो बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा और कोई आप उलझने के अलावा कोई काम नहीं होने वाला। सो आई सजेस्ट कि जितना सिंपल रखें ज्यादा बढ़िया, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है फिबोनाची लेवल्स के ऊपर, आपको सिंपल वीडियो के अंदर मैंने आपको हर चीज बताने की कोशिश की है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच अगेन, आपको मेरी रिक्वेस्ट, अगर वैल्यू मिल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।